सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज वर्चुअल रूप में जो सभी आनंद ले रहे हैं इस समागम का, और सभी को जो थीम भी पता है, विश्वास, भक्ति और आनंद की है, तो ये विश्वास क्या है, ये भक्ति क्या है, और जीवन में भक्ति करते हुए ये आनंद की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये एक जर्नी, एक रास्ता अगर हम देखें कि एक इंसान के जीवन में ये कैसे पड़ाव हैं, तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो ये विश्वास कैसे आ सकता है। विश्वास तो उस चीज़ पर भी होता है जो, या तो कोई हाइपोथेटिकल भी अगर हम बात करें तो उस पर विश्वास तब तक नहीं बैठ पाता जब तक साक्षात वो चीज़ नहीं देख पाते। तो उसी तरह ये जो ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान के ही जीवन में आने से ये विश्वास आना इस प्रभु परमात्मा पे, और ये भक्तिमय जीवन की यात्रा आनंद से जिए जाती है। जिस तरह एक हम उदाहरण भी देखें अगर, तो हम ये सुनते भी हैं अगर कि दो तरह के खाने होते हैं पदार्थ भोजन के, एक को जंक फूड की कैटेगरी बोलते हैं और एक को हेल्थ फूड की, कि ये जो हेल्थ फूड है इसने शरीर को तंदुरुस्त रखना है, बहुत ही पौष्टिक आहार है, और दूसरी तरफ जहाँ जंक फूड की बात होती है कि उसमें पोषण नहीं होता, वो सेहत को ख़राब करता है, उसमें जो गुण होते हैं वो इतने नहीं होते, तो किस तरह फिर हमारे को जब ये पता लग जाता है एक बार वो खाकर खानों में जो अपने शरीर में फ़र्क हम देखते हैं, तो किस तरह ये विश्वास बैठ जाता है कि हाँ ये हेल्थ फूड अच्छा है। फिर किस तरह हम बार बार वो इच्छा रखते हैं कि प्रतिदिन इस तरह से शरीर में वो पौष्टिक आहार ही जाए ताकि ताकत बनी रहे, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे, और फिर वही हम अपनी डाइट प्लान को भी उस तरह फॉलो करते हैं। तो ये विश्वास जब आ गया कि इस प्रकार का भोजन अच्छा है, फिर उस भोजन की भक्ति हो गई, उसको बार बार हम हर समय कोशिश यही कि उसके साथ हम जुड़े रहें उस भोजन के, और फिर ये जो बेनिफिट दिखता है शरीर पे, वो एक भक्ति करते हुए वो एक चाहे ग्रहण कर रहे हैं उस तरह का ही खाना, फिर ये कैसे आनंद की अवस्था वो हमें दिख रहा है रिजल्ट अपने शरीर पे। तो उस तरह ही देखें अगर हम, तो ये विश्वास है, और विश्वास के साथ, भक्ति के साथ ही आनंद की अवस्था इस जीवन में हम परमात्मा को प्राप्त करके कर सकते हैं। और अगर हम विश्वास शब्द को देखें तो इसमें अगर दो नज़रिए के साथ देख सकते हैं कि ये विश्वास हो गया कि पूरा भरोसा, और अगर इसको स्प्लिट करके अलग तरीके से देखें तो विष का वास, मतलब जहर, विष, तो वो हम अगर उस तरह देखें तो एक विश्वास और एक अंधविश्वास। तो कैसे हम अपने जीवन में एक उस तरह तो चले जहाँ विश्वास तो है, पर जब अंधविश्वास की बात आती है वहीं भ्रम होते हैं, वहीं डर होता है, वहीं इल्यूजन्स आ जाती हैं जीवन में। तो कैसे हमने वो एक अंधविश्वास नहीं पर विश्वास पे टिकना है, विश्वास को मजबूत करना है, क्योंकि जब मन में ये जहर आ गया तो फिर तो कुछ होते हुए भी वो ना होने के बराबर है। फिर मन के अहंकार प्रबल होते जाएंगे, मन में और बुरे ख्याल होते जाएंगे। जैसे अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बात तो शुरू होती है विश्वास पे और ख़त्म हो जाती है अहंकार पे, कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कभी स्कूल के दिनों की ही ऐसे बच्चों में अक्सर नोटिस करते हैं कि अगर एक किसी का पेंसिल खो गया होता है तो वो अपने पार्टनर की पेंसिल ही ले लेता है और बोलता है कि ये मेरी ही है,
और फिर वो दूसरा बच्चा अगर एक एक्सप्लेन भी करे कि नहीं ये मेरी है, तो वो पहला स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंटली उसको अपनी ही मान के कि मेरे पेंसिल बॉक्स में थी अब नहीं है तो यही होगी, और फिर जब घर जाके देखता है तो अपने बैग के की दूसरी जगह से अपनी ही पेंसिल मिल जाती है। तो उस समय तो वो विश्वास था कि ये दूसरे की नहीं मेरी है, और घर आके भी अगर देखा अपनी वस्तु जब मिल गई तो फिर ये अहंकार मन में आ गया कि अगले दिन स्कूल जाके किस तरह वो माफ़ी तो मांगी नहीं जाएगी। वो अहंकार ने इतना मन में गलत होने के बावजूद भी एक असर इस तरह छोड़ा कि अब अपने दोस्त के आगे जाके कैसे कह दें कि आप सही थे हम गलत थे। तो मन में अक्सर जहां विश्वास हो तो उसको उस तरह से ही मन में रखा जाए कि इसने हमारी एक अच्छी नियत का एहसास करते हुए एक इंटेंशन जो साफ एक प्योर हार्ट उसके साथ परमात्मा पे जहाँ ये यकीन करना है ये फेथ होना है विश्वास होना है, वहीं ये पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ ये विश्वास पे ही टिकी है। और विश्वास ऐसा नहीं हो कि असल में तो कुछ और है पर हम मन में कोई कल्पना दूसरी कर लें, ये आंख बंद करके असलियत से आंख चुरा कर कुछ और कर लें, तो फिर वो बात कि किस तरह अक्सर अगर हम ये अंधविश्वासों के ऊपर भी जाएं, उनको एनालाइज करें तो सुपरस्टिशंस का ओरिजिन किस पर्पस से होता है और आज इंसान उसको किस तरफ ले गया कि ये शुरुआत में बहुत ही लॉजिकल चीज़ें उनके कारण भी दिए गए कि इस वजह से ये चीज़ करनी है, और इंसान कारणों को भूलकर सिर्फ एक उसको नियम की तरह बनाकर ही चल रहा है बिना कारण जाने। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी फिर बहुत वो पड़ाव आते हैं जहाँ किसी चीज़ का करने का उद्देश्य पता नहीं उसको करने चलते हैं, मन में विश्वास भी रखते हैं, और कब वो विश्वास फिर एक नेगेटिव तरह से हमारे ऊपर ही हावी हो जाता है। तो विश्वास जब आए इस परमात्मा पे तो भक्ति है। तो ये भक्ति भी अब क्या है? भक्ति कुछ ऐसी नहीं करनी कि पूरे ही आसपास के वातावरण व्यक्ति या किसी और चीज़ से अपने आप को काट लेना है, कहीं अपने आप को कमरे में बंद करके अपने नेचर को सही करना है, अपनी लगन को पक्का करना है। ऐसी भक्ति अगर करेंगे तो वो तो कुछ समय तक ही हो पाएगी, पर भक्ति तो वो होनी चाहिए जो हर श्वास में होती है। और हर श्वास में भक्ति अगर है तो हमें अपनी लाइफ की एक्चुअल सिचुएशन से भागना नहीं है, वो तो जिस प्रकार की हैं उसमें रहते हुए भक्ति करनी है। और जब ये करना आ जाता है तो आनंद भी इस जीवन में साथ ही उतर जाता है। फिर वो वेट नहीं करनी पड़ती कि भक्ति की हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और उसके बाद एज अ रिजल्ट आनंद आएगा, नहीं, वो भक्ति करते हुए वो हर पल सांस लेते हुए वो आनंदित होकर ही वो हर सांस का एहसास इस परमात्मा से जुड़ के होगा। तो हमें कैसे अगर देखें भी कि एक विश्वास की बात जब आती है अक्सर इंसानों में भी देखा जाए तो वो ओतप्रोत मामला होता है, सिर्फ एक तरफ से है विश्वास और दूसरी तरफ से नहीं। तो उससे भी एक ये पता लग जाता है कि अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एक क्लास चल रही है, उस क्लास में टीचर हर स्टूडेंट को एक ही सबक एक जैसी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए, फिर भी जब कुछ समय बीतता है तो एक टेस्ट का टाइम आता है। और वो टेस्ट क्यों? वो टेस्ट इसी का प्रमाण विश्वास का कि जितनी शिद्दत से वो टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया क्या उसी तरह वो स्टूडेंट्स भी परीक्षा में पास हो रहे हैं। वो टीचर के ऊपर जो टीचर ने स्टूडेंट्स पे विश्वास किया वही सबक को एक सच्चाई मान के क्या स्टूडेंट्स भी वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं? और अगर इसको दूसरे नज़रिए से भी देखे जाएं तो शायद
टीचर्स को पहले ही पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छी तरह परफॉर्म करेगा और कौन नहीं करेगा, तो वहाँ बात ये विश्वास ना होने की भी आती है कि अगर विश्वास पता है एक किसी बालक पे नहीं है तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि टीचर को हमेशा पता है वो क्लास में अटेंटिव नहीं है, वो अपनी असाइनमेंट्स ठीक समय पे सबमिट नहीं कर रहे, वो रुचि एक पढ़ाई की तरफ है ही नहीं, तो उससे एक एंटिसिपेशन एक टीचर की भी बन जाती है कि चाहे अपनी तरफ से तो एक जैसा एक समान ही हर एक को सबक दिया, पर कैसे हर एक ने उसको परसीव अपनी अपनी सहूलत से, अपनी अपनी इंटेंशन से, अपने एक क्षमता के अनुसार करा है। तो उसी प्रकार अगर हम ये देखें कि ये परमात्मा तो हमें इतना हर पल दयाल होके सब कुछ देता जा रहा है, हर पल में इतनी रहमतें हैं, तो हम उसको किस तरह वो रहमतों को अपने अंदर सोख कर रहे हैं, अपने अंदर वो बसने दे रहे हैं। दासी ने एक जगह कहीं पढ़ा कि एक कोट की तरह लिखा हुआ था कि एक भक्त की अरदास होती है शुक्राना और तुम्हारी शिकायत, कि अगर हम एक भक्त को देखें कि किस तरह भक्त ने तो हर श्वास में अगर अरदास भी करनी है परमात्मा से तो इस तरह ही करनी है कि जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है, और उस यही पैरामीटर होता है कि पहचानने का, चाहे देखने में सब इंसान हैं पर अंदर भक्त कौन है। भक्त वही जो कभी परमात्मा को कोसता नहीं, भक्त वही जो कभी ये नहीं मानता कि परमात्मा ने कुछ भी अधूरा दिया है, भक्त हमेशा संतुष्ट होता है, भक्त ने तो हमेशा एक अपने आप को इस परमात्मा में उस तरह फ्लोट करते हुए एहसास करना है कि इसी के रंग में रंगे हैं, जिस रंग रखे वो ही रंग अच्छा, ये परमात्मा के हाथ हम कठपुतली समान हैं, चाहे हमारे अनुसार वो आबादी की तरफ हम सोच रहे हैं कि हम प्रफुल्लित हो रहे हैं या एक आबाद और बर्बाद वाली बात। तो किस तरह एक हम अगर सच्चे भक्त हैं तो फिर मन में ऐसा होगा ही नहीं कि कहीं परमात्मा को हम उस नज़रिए से देखें कि कुछ एक जिस पे विश्वास टूटने वाली बात आए, क्योंकि ये विश्वास भी अगर टूट रहा है तो उसका कारण हम ही हैं। अक्सर हम ऐसे भी कर लेते हैं कि सोच लेते हैं कि क्यों ना परमात्मा का ही टेस्ट लिया जाए और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मन में ही धारणा बना लेते हैं कि यदि हम ये करेंगे और एज अ रिजल्ट ये होगा तो परमात्मा है, तो परमात्मा सच्चा है, जहाँ हम आस्था रखते हैं वो एक सच्चा दर है। पर अगर ऐसा नहीं तो उसी समय वो एक नास्तिक की अवस्था को अपना लेते हैं। तो कैसे एक हर बार हम जब ये सोचेंगे कि परमात्मा का हमने टेस्ट लेना है और परमात्मा ने हमारे अनुसार वो रिजल्ट्स देने हैं, तो हम खुद ही देख लें कि हम भक्ति से तो कोसों दूर हैं ही, पर साथ में किस तरह हम अपने ऊपर भी वो विश्वास अभी नहीं कर पा रहे, हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख ही नहीं पा रहे, हम अपने छोटे वो तंग दिल्ली में ही फंसे हुए हैं। तो आनंद की अवस्था से तो हम अभी बहुत ही दूर हैं। मन में हमारे कुछ भी हो, अगर हम एक उसकी बात करते हैं कि कोई खाली जगह जब हम देखें और एक भरपूर जगह कि जीवन में हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ या एक सामने वाले की कितनी ही ज़्यादा अच्छाइयाँ दिख रही हैं, पर अपने जीवन में एक चीज़ की इच्छा जो हम रख रहे हैं और वही चीज़ अगर नहीं है तो हमारा नज़रिया उस पे नहीं जाता कि क्या क्या है हमारे पास, पर उस पे जाता है कि क्या नहीं है। और फिर हम उसको एक माइक्रोस्कोप लेंस जो बोलते हैं कि इतने बारीकी से देखने लग जाते हैं कि जो कुछ है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो नहीं है फिर नज़दीक से तो हर चीज़ में कमी दिखी जाती है,
फिर एक पूर्णता तो हमें दिखेगी नहीं, हमें अपने जीवन में लगेगा ही नहीं कि एक ये चीज ना होने की वजह से पूरा जीवन ही खराब लगता है। तो जहाँ अपनी हर वस्तु को जो दातार ने ये एक रहमत की तरह झोली में डाली है, अगर कुछ नहीं है तो उस पे ध्यान ना दें, क्योंकि अगर ध्यान देना ही है, एक बारीकी से कुछ टटोलना ही है, तो वो अपने अंदर अपने मन को बारीकी से देखा जाए कि किस तरह मन का तो इस दातार ने नेचर ऐसा बनाया था कि हम अपने अंदर झांके, मन इसलिए कि जो फील कर रहे हैं, खुद अपने आप को कैसे ठीक करें, एक अपने मन से जो एहसास कर रहे हैं वो हमें अंदर से कितना मजबूत, कितना स्ट्रांग और कितना मुश्किल घड़ियों में भी किस तरह उसको हम पॉजिटिव रख सकें। पर मन ने कहीं ये माया के चक्कर में अपना नेचर ऐसा बना लिया है कि उसको बाहर की ओर देखने लग गए हैं हम औरों की तरफ, हम कमियों की तरफ। तो जहां मन का काम अंतर का एक अपना हमें दृष्टिकोण, एक नज़रिया, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो इंट्रोस्पेक्शन, उसके लिए काम आना था, पर वो हम दूसरों के लिए नफरत, निंदा और ऐसे अनेकों एक खराब सोच देकर मन में उससे हर दिन जब उपयोग कर रहे हैं मन का, तो फिर वो एक नेगेटिविटी की ओर, एक चंचलता, एक हर तरह का हम उसमें एक दोष डालते जा रहे हैं। तो कैसे अपने मन को जब हम साफ रखते हैं, और मन साफ रखने का सबसे आसान तरीका ये भक्ति में तो सेवा है, सिमरन है, सत्संग है, कि जब इस निरंकार से जुड़ गए हैं तो फिर ये आनंद अपने आप जीवन में उतरता है। हर पल मन बहुत ही शांत, बहुत ही स्थिर, सहज भाव में, एक जो कहते हैं कांस्टेंट ब्लिस जो है, एक खुशी, उस तरह एक कभी भी वो एक्सट्रीम निराशा की फीलिंग नहीं होती। तो कैसे हमने हमेशा अपने जीवन में जहाँ हर पल कोशिश करनी है कि इस परमात्मा पे ये विश्वास हमारा पूरा रहे, वहीं साथ ही साथ कैसे भक्ति को किया जाए और वाकई ही भक्ति क्या होती है उसको उसी नज़रिए से किया जाए। भक्ति सिर्फ नकल नहीं है कि हमने देखा है पुरातन कैसे करते थे उसको एक रिपीट करना, नहीं, भक्ति हर एक की एक इंडिविजुअल जर्नी है, कैसे हमने हर दिन अपने आप को उसमें और प्रबल करना है, कैसे हमने हर एक चीज़ से जुड़े होने के बावजूद वो डिटैच्ड अटैचमेंट की अवस्था कि कुछ है तो उसका तो मज़ा उस समय लेना है, कुछ नहीं तो फिर अपने मन को उदास नहीं करना, कैसे वो इच्छाएं होनी मन में तो लाजमी है पर वो इच्छाओं की पूर्ति ना होने से मन को फिर एक पतन की ओर ले जाना, एक मन पे बहुत बड़े बोझ बना के रखने। तो भक्ति तो फिर समर्पित होकर ही हो सकती है, जब इच्छाएं इतनी आ जाती हैं तो फिर भक्ति उस समय मजबूत नहीं रह पाती। अगर इच्छाएं पूरी ना हो तो भी अपने आप को हम एक पक्का कर लें कि इसका ना होना में भी बेहतरी ही है, तो फिर ही वाकई ही एक असल रूप में इंसान आनंद का एहसास कर सकता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे, जो हर एक की इस समय एक अरदास भी है कि किस तरह सत्संग रूप जो एक इतनी वास्ट हम मनाते थे समागम पे, हर कोई अपने घरों से चलकर फिजिकली गैदर होता था और अब चाहे वर्चुअल रूप में इस तरह कर रहे हैं, पर भाव तो सबके वही, ये लगन इस निराकार से सबकी वही। और आगे के लिए अरदास कि हर कोई संतों के साक्षात दर्शन करके एक दूसरे की चरण रज लेकर उस रूप में ही ये समागम का त्यौहार जो हर्षोल्लास का होता है, ये कैसे एक रूप क्या संबंध निरंकार से हर पल होता तो है, पर जब समागम पे सब आके इकट्ठे होते हैं तो फिर वो एक अंदर की जो खुशी इतनी ज़्यादा प्रफुल्लित,
तो हर एक पे दाता यही कृपा करे, जहाँ हर कोई भक्ति भरा जीवन अपना एक स्ट्रॉन्ग करता जाए, वहीं फिर हर एक के लिए, संसार के लिए, सरबत का भला, वो एक अरदास कि ये ह्यूमैनिटी एक साथ आगे बढ़े, एक सेल्फिश होके अपने आप को तंग दायरे में ना रखें, अपने मन में हमेशा अच्छे ख्याल रखें, तो दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।